There is no place like home, because memories are created here. Then why not make it a beautiful place so that we could enjoy the little things and feel more happy here. Hello friends, welcome to Krishi's Diaries. Today we are going to do a living room floor sitting arrangement. ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं. फर्स्ट, इन केस आपके पास सोफा नहीं है एंड आप उसको कोई बल्कि सा फर्नीचर लाके नहीं भरना चाहते, सो इन दैट केस आप ये लिविंग रूम फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने घर पे. सेकंड, अगर आपके पास सोफा है पर आपके पास कुछ एम्प्टी स्पेस है अपने लिविंग रूम में, जैसे कि मेरे पास भी है, और उसको आप कोई एक्स्ट्रा फर्नीचर से नहीं फिल करना चाहते, सो इन दैट केस यू कैन मेक अ लिविंग रूम फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट. एंड थर्ड, अभी तो लॉकडाउन की वजह से कोई सेलिब्रेशंस नहीं हो रहे हैं, बट इन फ्यूचर अगर कोई सेलिब्रेशंस होता है आपके घर में, या फिर फ्रेंड्स या फिर फैमिली आने वाले हों, सो इन दैट केस यू कैन अरेंज सम एक्स्ट्रा सेटिंग अरेंजमेंट इन योर लिविंग रूम बाय अरेंजिंग अ फ्लोर सिटिंग. ये बहुत ही ईजी वे में आप अपने घर में भी बना सकते हैं. मैंने पूरा एक एम्प्टी स्पेस को एक ब्यूटिफुल से सेटिंग अरेंजमेंट में कन्वर्ट किया है. कैसे किया है ये देखने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए. एंड अगर आप ये वीडियो अपने घर में ट्राई करते हैं या फिर कुछ आइडियाज आपको मिलता है जिससे आप इस लुक को रिक्रिएट करते हैं अपने घर में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना मत भूलिए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल. दिस मींस अ लॉट. ओके, सो अभी विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये वो एम्प्टी स्पेस है जिसको मैं डेकोरेट करने वाली हूँ और यहाँ पे एक फ्लोर सेटिंग अरेंजमेंट बनाने वाली हूँ. सो ये एक बेसिक प्लेन फ्लोर है विद सम बेसिक कर्टेंस. कोई भी मेकओवर स्टार्ट करने से पहले आई प्रिफर कि मैं उसका आउटलाइन, जो भी मेरे दिमाग में है, जो भी मैंने प्लान किया है, आई विल ड्रॉ इट फर्स्ट ऑन अ पेपर सो दैट आई कुड चेक वेदर द कलर्स आई एम प्लानिंग, वेदर द थिंग्स आई एम प्लानिंग टू डू आर वेल कोऑर्डिनेटेड. एंड यही करते वक्त आई विल ऑल्सो साइमल्टेनियसली राइट द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दैट सो दैट आई डोंट ओवरडू द प्लेस या फिर अननेसेसरी चीज़ों पर स्पेंड ना हो. यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो भी मेरे पास अवेलेबल है या फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट से मैं डेकोरेट करूँ. सबसे पहले मैंने एक मैट्रेस लिया है. अगर आपके पास फोम या कॉयर का मैट्रेस है देन आप वो भी ले सकते हो, बट फ्लोर सिटिंग के लिए दिस गोज बेस्ट. दिस इज द प्रॉपर गद्दा विच आई हैव टेकन. उसके ऊपर मैंने एक बेडशीट डाला है. दिस इज अ थिक बेडशीट एंड उसको अच्छे से टक इन किया है. इसी स्टेप पे आप मेक श्योर करें कि आप मैट्रेस को अच्छे से कवर कर लें. सो जो एक्सट्रीम कॉर्नर स्पेस है वहाँ पे मैं डेकोरेट करने वाली हूँ, कुछ डेकोरेशंस रखने वाली हूँ. सबसे पहले एक प्लांट पॉट रहेगा. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंपल पॉट आई प्रिफर कि उसको कुछ डेकोरेट एंड DIY करें. सो दिस इज द पॉट वी आर गोइंग टू डेकोरेट. टेक अ मास्किंग टेप एंड स्टार्ट पेस्टिंग इट डायगनली. मास्किंग टेप आपको कोई भी कार्पेंटर शॉप में या फिर स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाएगा. ओके, इसको पूरे पॉट पे पेस्ट कीजिए लाइक दिस एंड स्टार्ट पेंटिंग वाइट पेंट. यू कैन यूज एनिमल पेंट, एक्रिलिक पेंट. यहाँ पे मैं एक्रिलिक पेंट यूज कर रही हूँ एंड जो भी गैप्स है वहां पे हमें वाइट पेंट करना है. वाइट पेंट पूरे पॉट पे करने के बाद हम मास्किंग टेप निकाल देंगे. See, पूरा क्लीन और क्रिस्प लुक आता है इससे. व्हाइट पेंट ड्राई होने के बाद व्हाइट पेंट के ऊपर मास्किंग टेप लगाएंगे एंड ब्लैक पेंट करना स्टार्ट कर देंगे. सो इन दिस वे वी विल गेट ऑपोजिट कलर्स एंड बोथ विल लुक क्लीन एंड प्रॉपर. फिर से मास्किंग टेप लगाना है जहां जहां व्हाइट पेंट है. ड्राई होने के बाद मास्किंग टेप लगा के लेयर बाय लेयर हमें पेंट करते जाना है ब्लैक पेंट. सो ऐसे ही आपको पूरे पॉट पे करना है. मैं पहले आपको मास्किंग टेप निकाल के दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखता है. सी, इजंट इट लुकिंग लवली.
सिमिलरली पूरे पॉट को मैंने पेंट किया. सो दिस इज हाउ आवर पॉट लुक्स आफ्टर डेकोरेशन. इट्स ऑलरेडी लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेकोरेटेड प्लांट. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग. सो इंस्टेड ऑफ प्लेन दिस इज लुकिंग एक्चुअली बेटर. नेक्स्ट आई एम प्लेसिंग अ ग्रीन कलर मैट. अगर आप चाहें तो आप एक क्लॉथ भी रख सकते हैं, बट दिस लुक्स प्रीटी गुड एंड इट्स स्टर्डी ऑल्सो. तो नेक्स्ट टाइम प्लेसिंग अ ग्लास बॉल विथ ओपन पेटल्स. ये मुझे एक एग्जीबिशन शॉप से लिया था मैंने. नेक्स्ट अ फेरी लैम्प, फेरी लाइट होल्डर. उसके बाद ये टेबल में रखने वाली हूँ जो कि एक यूटिलिटी पर्पस देता है हमारे इस मेकओवर को. And this is quite functional also. It's adjustable in height. So मुझे लगता है थोड़ा heighted होगा, so it would be more functional. इसीलिए मैं उसकी height increase कर रही हूँ. जहाँ पे हमने decoration किया है, उसके opposite में इसको place करना है. So एक extreme corner में decoration और एक corner में table. So I'm placing a glass mug, कुछ books. बुक्स एक प्लेस को एक अच्छा लुक भी देते हैं एंड एक स्पेस को मोर क्रिएटिव एंड मोर एंगेजिंग भी करते हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्लेस अ रग. दिस इज अ रेड व्हिच आल्सो कोऑर्डिनेट्स वेल विद द बेडशीट व्हिच वी हैव यूज्ड हियर. सो इजंट इट लुकिंग ग्रेट. द पॉप ऑफ कलर्स, द कोऑर्डिनेशन, सो इट्स गोइंग वेल विद द मेकओवर. Let's go to the next step now. It's time for the cushion covers. You need to place at least 5 of the cushion covers. If the space is less, you can arrange less cushion covers. But cushion covers is a compulsion. So now let's start placing cushion covers. Another one. See, the cushion covers already gave a bright and beautiful look and the colors are also coordinating well. Now it's time to change the curtains. So we have added a white curtain in between two dark color curtains. As white color reflects light, it will make this space look bigger and during the daytime, it will allow good amount of light to enter the house. Now let's quickly move on to the decoration space. यहाँ पे मैंने end में एक iron का decorative piece रखा है. Make sure कि आप decorations उस length तक करो जितने length का आपका mattress है. So अभी मैं यहाँ पे हमारे decoration का best part कर रही हूँ, जो कि है fairy lights को install करना. Because decoration without fairy light is incomplete for me. टेबल वाले कॉर्नर में मैं कुछ बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स प्लेस कर रही हूँ जो कि इस जगह को थोड़ा डेकोरेटिव लग देंगे. सो टाइम फॉर फाइनल रिवील. Space in a house into a beautiful decorated place. I have focused on the minute details also so that this place looks more creative and makes us feel more positive. The color coordination, the look and the feel of this place is just perfect for me to spend some quality time here and also to be more creative and come up with more beautiful thoughts. I could spend hours looking at these beautiful fairy lights. These look completely magical and enchanted.
This corner space is my favorite. Isn't it looking just out of Pinterest? The beautiful flowers, petals, and especially this beautiful fairy lights. This place was in my list since long. This helps me be more positive in this lockdown, when we know that our house, our home, is the only safest place, then why not make it a better place to live in? So I hope you have liked this makeover. If you like this video, then like, share, and don't forget to subscribe my channel. This will motivate me to come up with more such beautiful videos. And last, but not the least, thanks for watching.